लाइव ऑडियो। हेलो, हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम पारुल जैन है और मैं ओमान में रहती हूँ, इबरी शहर में। आप सबका मेरे अमूल लाइफ पर वेलकम है। हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल? ओके, तो मैं एक सिंपल होम शेफ हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू मोनिकाज फन फूड रेसिपी पेज एंड अमूल पेज कि उन्होंने मुझको ये मौका दिया, मैं अपनी छोटी सी डिश आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। थैंक यू सो मच मोनिका जी एंड ऑल द एडमिन्स ऑफ मोनिका फन फूड पेज एज वेल एज अमूल। अमूल की तो बात ही सबसे अलग है। अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया नाम ही काफ़ी है। हम लोग पैदा ही होते हैं और बड़े हुए ही अमूल बटर जब तक फ्रिज से उंगली डाल के ना निकालें तो शायद ही कोई बच्चा बड़ा हुआ हो आज तक। हेलो एवरीवन, हाय। ओके, तो हमारी आज की रेसिपी है पनीर के दही बड़े। क्योंकि ये एक नो ग्रेन रेसिपी है तो आप इसको फलाहारी के रूप में सॉरी, कोई डिस्टर्बेंस हो गया था। तो ये जो रेसिपी है ये अमूल के पेज पर मेरी, ये पनीर के दही बड़े है और आप इसको फलाहारी व्रत के रूप में खा सकते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत कम चीज़ों में बन जाती है, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आ जाता है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं बनानी। इसके लिए मैंने 200 ग्राम लगभग अमूल की मलाई पनीर ली है। हमको ओमान में बहुत ही अच्छी अमूल मलाई पनीर अवेलेबल रहती है। थैंक यू अमूल अगेन। अमूल के कुछ ही प्रोडक्ट्स यहाँ मिलते हैं बट दे आर ऑल क्लास अपार्ट। तो आई हैव टेकन 200 ग्राम्स ऑफ अमूल मलाई पनीर जिसको मैंने कि 5 मिनट माइक्रोवेव करके ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम बॉइल्ड आलू डालेंगे ग्रेट करके, वो भी 2 से 3 आलू हम डालेंगे क्योंकि हमको सब मिक्स ही करना है, तो उसी प्लेट में आप ग्रेट कर सकते हैं। जब तक ये ग्रेट हो रहा है मैं अपना इंडक्शन ऑन कर देती हूँ जिससे कि हमारा इंडक्शन जो पैन है वो गर्म हो जाए। जैसे जैसे डिश प्रोसीड होती जाएगी आपको पता चलता जाएगा कि बहुत सिंपल है, आराम से बन जाएगी और बहुत टेस्टी बनेगी, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आएगा इसमें। अब ये पनीर और आलू को हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई कैन सी समबडी राइटिंग, वेरी नाइस। मगर अगर मैं सबका आंसर करने लगूंगी तो फिर शायद लाइव सेशन कम हो जाएगा, इसलिए ओके। अब क्योंकि हम व्रत का बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून अरारोट पाउडर लिया है, वो भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। अगर आप नॉर्मल बना रहे हैं तो आप कॉर्नफ्लोर डाल लीजिए और थोड़ा क्रिस्प करने के लिए आप ब्रेड क्रम डाल लीजिए, मगर आज हम लोग व्रत का बना रहे हैं इसलिए मैंने इसमें अरारोट पाउडर डाला है। इसके बाद हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे। आप लोग जानते हैं व्रत में सादा नमक नहीं खाते हैं तो सेंधा नमक हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे। जो लोग मिर्च पसंद करते हैं वो इसमें हरी मिर्च डाल लीजिए। थोड़ा सा हम इसमें कटा हुआ धनिया डाल लेते हैं और अब हम इसको अच्छे से मैश करेंगे।
अभी हमको इसको अच्छे से नीट करना है, एक अच्छा डो बन जाना चाहिए इसका। और आज हम हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं। वैसे देखिए दही बड़ा किससे बनाते हैं लोग घरों में, उड़द की दाल से बनाते हैं, मूंग की दाल से बनाते हैं, उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो आज तो हम लोग पनीर से बना रहे हैं जो इंस्टेंट बन जाते हैं और पहले से प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। इसका अच्छा डो नीट करेंगे। थोड़ा ही सा मैंने सेंधा नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और डाल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, दही बड़े में हम लोग फ्राई करते हैं, आज हम लोग इसको अपने पैन में बनाएंगे जिसमें कि बहुत ही कम ऑयल लगेगा तो हेल्दी भी रहेगा। तो जिन लोग को जैसे फ्राइंग वाली चीज़ों से थोड़ा परहेज है किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, वो लोग भी इसको आराम से खा सकते हैं। अच्छा डो नीट होना चाहिए। देखिए अच्छे से नीट हो रहा है ये, वो क्योंकि ग्रेटेड है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप सिंपल मैश करेंगे तो आलू के टुकड़े आ जाएंगे तो डो बनने में, तो इसलिए अच्छा होगा कि आप ग्रेट कर लें। और मिर्च, जैसे मैंने कहा, हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हमारे यहाँ छोटे बच्चे हैं, वो नहीं खाते हरी मिर्च, इसलिए मैंने नहीं डाली है। जिन लोग को पसंद है वो डालें। अब देखिए हमने इसका एक अच्छा डो बना लिया है और हमारा अपी पैन भी लगभग गर्म हो गया है। थोड़ा सा और गर्म हो जाए इस डिश में जो दही बड़े में नॉर्मल चीज़ें पड़ती हैं वही सब पड़ेंगी। मैंने ये हरी धनिया की चटनी बनाई है, इसमें भी सेंधा नमक डाल के बनाई है और व्रत के हिसाब से बनाई है। इमली की मीठी चटनी बनाई है, इसको भी व्रत वाली चटनी बनाई है मैंने। दही लिया है, उसमें मैंने थोड़ी सी शुगर डाली है, आप चाहें तो शुगर ना डालें, अवॉइड कर सकते हैं। उसके साथ भुना जीरा मैंने रोस्ट किया है, फ्रेशली रोस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे घरों में होता ही है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी तुरंत फ्रेश रोस्ट किया है तो उससे फ्लेवर और खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। अच्छा, अब हमारा आपकी पैन हॉट हो गया काफ़ी। अब हम इसमें सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अपी पैन है तो बहुत थोड़ा थोड़ा तेल आप सारे जो इसके सांचे हैं उनमें आप डाल दीजिए। और हाथ में छोटी छोटी बॉल बनाएंगे इसकी, बड़ी बड़ी नहीं बनाएंगे, वैसे आपकी मर्जी है, छोटी छोटी बॉल बनाइए और अपने पैन में आप रखते जाइए। अर्चना जी, रेसिपी अभी तक जो बनी है उसमें मैंने अमूल का पनीर लिया है, उसको 5 मिनट माइक्रोवेव करने के बाद मैंने उसको ग्रेट कर लिया है। अराउंड 200 ग्राम्स पनीर था और उसमें मैंने 2 बड़े आलू ग्रेट करके मिलाए हैं, थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाया है, हरी धनिया कटी हुई मिलाई है, मिर्च मैंने नहीं डाली है, आप चाहें तो मिर्च डाल लीजिए। उसके बाद और मैंने 2 बड़े चम्मच अरारोट का पाउडर डाला है, क्योंकि हम लोग व्रत वाला बना रहे हैं। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। और फिर उसका एक अच्छा डो मैंने नीट कर लिया है। आई होप क्लियर हो गया आपको अर्चना जी। देखिए मैंने छोटी छोटी बॉल्स बना के अभी इसमें अपी पैन में मैं सेट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई करेंगे तो ये ध्यान रहे कि ऑयल अच्छा हॉट होना चाहिए और चेक कर लीजिए डाल के, बबल आने चाहिए उसके बाद ऑयल में। और फिर गैस को आप मीडियम हीट पर कर दीजिए जिससे कि ये जो वड़े हैं वो डालते समय जले नहीं। अच्छे नीट वड़े बनाइए, छोटे साइज के बनाइए। अगर आप इनको ऐसे भी कटलेट्स की तरह भी आप इनको सर्व कर सकते हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें और मसाला डाल लीजिए, या आप अपने हिसाब से बड़े जैसे भी शेप के आपको बनाने का मन है
इसको आप बना सकते हैं। तो हमारा अपी पैन फिल हो गया है, अब हम इसको 5 मिनट ढक देंगे जिससे कि वो नीचे से सिक जाए हमारे बड़े। तब तक थोड़े से और बड़े हम शेप कर लेते हैं जब तक ये सिक रहे हैं। बहुत इजी है, बहुत कम टाइम में आराम से बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोग का व्रत नहीं होगा ना, वो भी इसको देख के व्रत रख ही लेंगे। वरना लेडीज को क्या प्रॉब्लम होती है, आधे लोग घर में व्रत रखते हैं आधे नहीं रखते हैं, और फिर दो दो तरीके का खाना बनाओ, है ना, सबके साथ वही प्रॉब्लम होगी। वैसे मैं जैन हूँ तो हमारे यहाँ निर्जला व्रत ज़्यादा रखा जाता है, मगर फिर भी जो लोग नवरात्रि में व्रत रखते हैं वो ये डिश जरूर ट्राई करें। और इसी बहाने घर के बाकी लोग भी व्रत रख लेंगे, क्योंकि ये देखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार चेक कर लेते हैं अपने बड़ों को हम, देखिए आवाज आ रही है इसमें से, अभी हल्के कम हुए हैं, थोड़ा सा और सिक जाने देते हैं इनको। अपी पैन में बनाने का सबसे अच्छा फायदा यही है कि बहुत कम चीजों में आप बहुत सारी चीज बना सकते हैं अपी पैन में, सिर्फ अप्पम नहीं, आप इसमें मंचूरियन बॉल्स, कोफ्ते, कढ़ी के लिए पकौड़ी, जो मर्जी हो सब बनाइए, कम तेल में बनाइए, क्योंकि स्वाद की हद सेहत तक। और अमूल है तो टेस्ट ऑफ इंडिया तो होना ही है, अमूल की पनीर बहुत ही टेस्टी होती है। करुणा जी, रेसिपी मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुकी हूँ, मैं आपको जल्दी से एक बार फिर से बता देती हूँ। अभी तक हमने अराउंड 200 ग्राम्स अमूल पनीर को लिया है, उसको 5 मिनट माइक्रोवेव करके ग्रेट कर लिया है, और उसमें 2 बड़े आलू, बॉयल्ड आलू ग्रेट करके मिक्स किए हैं। फिर उसमें हरी धनिया डाली है, मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है, आप चाहें तो डाल लीजिए, सेंधा नमक डाल लीजिए, आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं फलाहारी बना रही हूँ इसलिए मैंने सेंधा नमक डाला है। 2 बड़े चम्मच अरारोट का पाउडर डाला है, अगेन क्योंकि मैं व्रत का बना रही हूँ, आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं या आप ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं अगर आप व्रत का नहीं बना रहे हैं तो। गौरी जी, ये पनीर के दही बड़े बन रहे हैं, और फिर उनको सबको आप चीज़ों को अच्छे से हमने नीट करके अप्पम मेकर में बहुत थोड़े से सरसों के तेल में, देखिए बहुत ही अच्छे सिकने लगे हैं ये, इनको हम स्पून की हेल्प से पलट देंगे। क्योंकि इसमें मुझे सफिशिएंट ऑयल दिख रहा है इसलिए मैं और नहीं डाल रही हूँ, अगर आपको लगे कि कम है थोड़ा सा तो आप इसमें और डाल लीजिए ऑयल। अप्पम पैन में सबसे अच्छी यही चीज़ होती है, बहुत ही कम ऑयल में सारा कुछ बन जाता है, गिल्ट फ्री खाना। देखिए जब तक सिक रहे हैं तब तक हमारे बाकी भी लगभग सारे ही शेप हो गए हैं, आप अपने पसंद के शेप को भी इसको कुकी कटर से या कैसे आप इसको बना सकते हैं, शेप कर सकते हैं। और ये बेकिंग अरेंजमेंट नहीं है, ये ब्रेड के, ये सॉरी पनीर के दही बड़े हैं, इसमें बेकिंग नहीं है कुछ भी। ये एक मैंने दही बड़ों को मैंने फ्राई करा है, मगर अप्पम पैन में फ्राई किया है। थोड़ा सा 2 मिनट और इसको फ्राई कर लें कि अच्छे क्रिस्प हो जाएं। थैंक यू सो मच।
थैंक यू, जितने लोग भी हाय बोल रहे हैं मैं सबको हाय बोल रही हूँ, सबका अलग अलग हाय नहीं बोल पाऊंगी। ट्राई कीजिएगा अपम पैन में बनाने की, आसानी से बन जाएगा और बहुत हेल्दी भी बनेगा। अमूल के यहाँ पे ओमान में तीन ही प्रोडक्ट्स आते हैं, अमूल मलाई पनीर बहुत ही टेस्टी है, अमूल का देसी घी आता है, एंड थैंकफुली हमारा अटली बटली डिलीशियस अमूल बटर भी हमको ओमान में मिल जाता है। मगर आई एम मिसिंग अमूल मस्ती दही, अमूल लस्सी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं अमूल के और बहुत ही अच्छे, स्पेशली चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम। देखिए हमारे बड़े जो हैं अब रेड होना शुरू हो गए हैं नीचे से, एक बार इनको पलट देते हैं। पलट पलट के आपको दोनों तरफ से कुक करने हैं इनको अपम पैन में। और देखिए बिना हमने कोई और लीविंग एजेंट नहीं डाला है मगर वो फूल गए हैं। दिस इज पनीर के दही बड़े, फलाहारी व्रत रेसिपी है ये। आप मैं साथ साथ बताती भी जा रही हूँ कि आप इसको नॉर्मल डेज में कैसे बना सकते हैं। आप प्लीज़ स्टे ट्यून टू द रेसिपी। थैंक यू सो मच रश्मि जी, टेस्ट भी बहुत यूनिक है, ज़रूर ट्राई कीजिए। थोड़ा सा सिक जाए और फिर हम इसको निकाल के सेकंड बैच डाल देंगे अपम पैन में। फ्राई करने में थोड़ा जल्दी हो जाता है मगर हेल्दी भी तो होना चाहिए ना। तो आज मैंने इसीलिए फ्राइंग डिश करके, ये देखिए बहुत अच्छे से सिक रहे हैं, आपको मैं दिखाती हूँ कैमरे के पास ला करके। कोई प्रॉब्लम नहीं होती अपन पैन में इसको फ्राई करने में, थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन हो जाए। थैंक यू सो मच शोभा जी, जिगना थैंक यू। तो जैसा मैं बता रही थी कि ये रेसिपी आप व्रत में बनाइए और घर पे सबको खिलाइए। गुड इवनिंग सर, चटनी भी चटनी तो सर मैंने पहले बना ली है, व्रत वाली है, मैंने हरी धनिया का लिया है चटनी इसमें, और सेंधा नमक के साथ मैं बनाई है, मैंने हरी मिर्च डाली है, ये है हरी चटनी हमारी, इसलिए मैं हरी चटनी तो यहाँ पे नहीं आपको शो कर रही हूँ मगर व्रत वाली हरी चटनी है ये, और ये व्रत वाली इमली की मीठी चटनी है। पहला बैच सिकने में थोड़ी सी देर लगती है, सेकेंड बैच में तो हमारा पैन गर्म हो जाएगा तो बहुत जल्दी जल्दी सिक जाएगा। नो एक्स्ट्रा ऑयल नीडेड। देखिए आपको दिख रहा है ये कैमरा में कि बहुत ही अच्छा से सिक रहा है ये। और ये हमारे अपम सिक गए हैं सारे, हमारे बड़े सिक गए हैं, इनको हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं केयरफुली, क्योंकि अपम पैन आयरन का होता है तो कहीं आपकी उंगली उंगली छू ना जाए, बस ये बात का ध्यान रखिएगा। सारे सिक गए हैं हमारे, हम अपना नेक्स्ट पैच जो हमने बनाया है वो डाल दे रहे हैं अब इसमें। जी जी बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और आपका ऊपर है, अगर आपने इसमें ब्रेड क्रम्स डाल दिए तो ये कुरकुरे हो जाएंगे, आप इनको कटलेट्स की तरह भी सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं एज यू विश। ये बहुत सॉफ्ट, देखिए मैं आपको दबा के दिखाती हूँ, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आपको नॉर्मल दही बड़े की तरह इनको पानी में डिप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ऑयल मैं अपने अपन पैन में डाल देती हूँ क्योंकि एक बैच सिक गया है, बहुत थोड़ा ही सा, मतलब आपको ड्रॉप्स में ऑयल चाहिए होगा इसमें, अगर उससे ज़्यादा डाला तो फिर आपको क्लीन करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए बहुत थोड़ा थोड़ा ऑयल यूज़ करिए और ढक करके इसको
सेक लीजिए, क्योंकि अब अपन पैन गर्म हो गया है काफी, तो अब हम इसको कम पे सेक दे रहे हैं। ये मैंने दही लिया है, इसमें मैंने अराउंड 2 बड़े चम्मच शुगर डाली है। हम इसको अच्छे से फेंट लेते हैं जिससे कि कोई लम्स ना रहे। आप चाहें तो आप इसमें शुगर ना भी डालें, एज यू विश। हमारे यहाँ थोड़ा दही बड़े में चीनी मुझे पसंद है, इसलिए मैंने डाल ली है। ओके, अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। एक आप अच्छी सी प्लेट ले लीजिए। और मैंने आज जो है, क्योंकि हम ऐसी रेसिपी बना रहे हैं कि आपको व्रत में बार बार ना बनाना पड़े, तो ये मैंने पोटैटो बोट्स बनाई हैं। इसको मैंने क्या किया है कि बड़ा आलू लिया है और सेंधा नमक अराउंड 1 टीस्पून डाल के पार बॉईल कर लिया था प्रेशर कुकर में 1 सीटी। आप चाहें तो नॉर्मल फ्राई पैन में भी पार बॉईल कर सकते हैं, प्रेशर कुकर में 1 सीटी इज इनफ। उसके बाद आप बहुत केयरफुली इसको कट कीजिए इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और केयरफुली विद द जैकेट ऑन क्लीन कर लीजिए खूब अच्छे से। आलू को पहले खूब अच्छे से क्लीन कर लीजिए, वॉश कर लीजिए। और उसके बाद 1 चम्मच मैंने सेंधा नमक यूज़ किया है, आप नॉर्मल नमक भी यूज़ करके इसको प्रेशर कुकर में 1 सीटी पार बॉईल कर लीजिए। और फिर जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो अच्छे नाइफ की हेल्प से इसको हॉरिजॉन्टली लॉन्गिट्यूडनली कट कर लीजिए। चम्मच की हेल्प से अंदर से स्कूप कर लीजिए। वो स्कूप आप रसेदार सब्जी किसी में भी आप डाल सकते हैं, और उसको भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। जैकेट का फ़ायदा ये होता है कि जब आप स्कूप कर रहे हो तो आलू को सपोर्ट मिलता है नीचे से, और आजकल वैसे भी नया आलू आ रहा है तो बहुत मोटा छिलका होता नहीं है उसका, आराम से स्कूप हो जाएगा और आलू को शेप मिल जाएगा बोट का। और क्योंकि इसमें हमने बॉईल पार बॉईल करते समय नमक डाला है तो ये टेस्टी लगता है। इसको बच्चे हमारे ऐसे कह रहे थे लेके भाग रहे थे ऐसे ही कि हम पहले ही खा लेंगे। आप चाहें तो इसको भी इसको फिर उसके बाद मैंने डबल फ्राई किया है, जैसे फ्रेंच फ्राइज करते हैं, जिससे कि ये क्रिस्प हो जाए। ये देखिए अच्छा क्रिस्प हो गया है, ये डबल फ्राई किया है। अब हम इसमें एक बार पहले अपने वड़े चेक कर लें, ऐसा ना हो नीचे से लग जाएं वो। हो गए हैं, मैं इसको पलट देती हूँ फिर आगे की प्लेटिंग करती हूँ। देखिए सेकेंड वाला बैच बहुत जल्दी सिकता है, पहले बैच में टाइम लगता है। और ऑयल मैंने आपको दिखाया, 1 स्पून पहले डाला है, 1 स्पून बाद में डाला है। इन 2 स्पून्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल मेरे अराउंड सारे दही बड़े फ्राई हो गए हैं। अच्छा, अब इस अपनी बोट में, क्योंकि हमने छोटे छोटे बड़े बनाए थे और देखिए बहुत सॉफ्ट हैं, कोई मुझसे पूछ रहा था कि ये नरम बनेंगे, ये बहुत नरम है, इनको आपको पानी में भिगो के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने बड़ों को इस बोट में अरेंज कर लेते हैं। देखिए अभी भी बहुत ही नरम है ये। इसके बाद ये जो हमने दही में चीनी फेंटी थी, इसको हम इसके ऊपर रख देते हैं। अच्छे से स्प्रेड करिए, दही बड़ा है तो दही तो चाहिए ही ना। तो ये हमारी बोट्स में फिल हो जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे हमारी खट्टी चटनी, धनिया की चटनी। जी मैं ओमान में रहती हूँ। ये देखिए ऑलरेडी ये बहुत सुंदर दिखने लगते हैं। अब इसके ऊपर हम अपनी मीठी चटनी डालेंगे। थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे हम इसके ऊपर।
थोड़ा ही सा पड़ेगा क्योंकि हमने मिक्सचर में भी डाला था सेंधा नमक, और मैंने बताया ना आपको आलू की बोट्स बनाते समय भी मैंने जब पार बॉईल किया है तो उसमें नमक पड़ा हुआ है। एक बार अपने बाकी वड़े हम चेक कर लेते हैं, और ये देखिए जब तक वो प्लेटिंग अभी पूरी भी नहीं हुई है हमारे वड़े सिक गए हैं। तो अपम पैन यूज करने का यही फायदा है, एक तो बहुत ही कम ऑयल और बहुत ही जल्दी जल्दी फर्स्ट बैच में तो देखिए फ्राई करेंगे तब भी टाइम लगेगा, और सबसे अच्छी बात इन वड़ों की आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं, चटनी लीजिए और चालू हो जाइए चाय के साथ। इसमें अगर आपने लाल मिर्च पेस्ट डाल दी तो और टेस्टी बन जाएंगे। दो सौ ग्राम पनीर और दो आलू में बहुत सारे हमारे वड़े सिक गए हैं। ओके, अभी इसके ऊपर जिन लोगों के यहाँ काला नमक खाया जाता है व्रत में वो डाल लें, और जिनके यहाँ नहीं खाया जाता तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है। भुना जीरा जो मैंने बताया था, फ्रेशली रोस्टेड हमेशा ज्यादा टेस्टी और ज्यादा खुशबू देगा। थोड़े से आप इसमें कैबेज लगा दीजिए साथ में, फाइनली श्रेडेड कैबेज है ये, शेविंग्स हैं कैबेज की इनफैक्ट, फॉर अ कंप्लीट मील फॉर अ पर्सन हु इज फास्टिंग। और थोड़े से पोमीग्रेनेट पर्ल्स मैंने लिए हैं वो आप डाल दीजिए, पोमीग्रेनेट पर्ल्स का कॉम्बिनेशन इसके साथ बहुत अच्छा लगता है और देखने में भी सुंदर हो जाता है, थोड़ा रेड एलिमेंट डिश में ऐड हो जाता है। थोड़ी सी हम फाइनली चॉप्ड धनिया डाल देते हैं, पर अपने बाकी बड़े जो अभी मैंने लास्ट डाले हैं वो भी चेक कर लूं मैं। हार्डली एनी टाइम इट टेक्स, बस इसको ढक के पकाइए जिससे थोड़ा जल्दी कुक हो जाएगा ये, और ये हमारी रेसिपी रेडी हो गई। कंप्लीट मील बन जाएगा ये जिस भी जो भी पर्सन फास्टिंग कर रहा है, और फिलिंग बनेगा क्योंकि नीचे पोटैटो की बोट है वो काफ़ी वेट दे देगी खाने को, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, फलाहारी रेसिपी है, आप इसमें अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस कर लीजिए अगर आपको नॉर्मल डेज में बनानी हो। मैं रेसिपी रिपीट कर दे रही हूँ एक बार फिर से, नो प्रॉब्लम। मैंने इसमें 200 ग्राम अमूल की मलाई पनीर यूज़ की है, उसको मैंने 5 मिनट माइक्रोवेव किया है और उसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। इन 200 ग्राम ऑफ पनीर मैंने दो बड़े आलू बॉइल्ड ग्रेट किए हैं, और उसमें दो बड़े चम्मच मैंने अरारोट पाउडर ऐड किया है। अगर आप नॉर्मल डेज में बना रहे हैं तो आप कॉर्नफ्लोर ऐड कर लीजिए या ब्रेड क्रम्स ऐड कर लीजिए, एज यू विश, क्योंकि मैंने बताया ना व्रत का है तो मैंने अरारोट ऐड किया है। थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए, हरी धनिया डालिए, अगर आपको मिर्च पसंद है आप हरी मिर्च डाल लीजिए, काली मिर्च, और उसका एक अच्छा डो आप ऐड बना लीजिए हाथ से। आप चाहें तो उसको डीप फ्राई कर लीजिए वड़ों को शेप दे करके, मैंने अपम मेकर में बनाए हैं जिससे कि हेल्दी बन जाए रेसिपी हमारी और टेस्ट वही रहता है, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, बल्कि शेप क्योंकि उसमें ऑलरेडी सांचा है अपम मेकर में तो शेप बहुत ही सुंदर आता है। आपको मैं शेप एक दिखाती हूँ, और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं ये, इसको पानी में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद मैंने पोटैटो बोट बनाई है, वो भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ रेसिपी। मैंने बड़े वाले पोटैटोस एक विसल में प्रेशर कुक किए हैं, पार बॉईल किए हैं। आप चाहें तो उसको नॉर्मल फ्राइंग पैन में आप पार बॉईल कर सकते हैं। नॉर्मल डेज में नॉर्मल नमक डाल लीजिए, मैंने सेंधा नमक डाला है। थोड़ा ठंडे हो जाए उनको आप लॉन्गिट्यूडनली कट करिए और स्पून से उनके अंदर का आप पोटैटो निकाल लीजिए, वो आप किसी और सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने जो पोटैटो है विद जैकेट ऑन आपको कट करना है, जैकेट उसके छिलका नहीं छीलना है, उसको डबल फ्राई करना है जैसे कि फ्रेंच फ्राइज करते हैं फॉर क्रिस्पीनेस। फिर जो हमने बड़े फ्राई किए हैं इनको अपनी बोट में हम अरेंज करेंगे। दही, मैंने मीठा दही लिया है, आप सादा दही भी ले सकते हैं। अच्छे से फेंट लीजिए दही को और वड़ों के ऊपर डाल दीजिए। फिर मैंने ये हरी चटनी ली है, ये भी व्रत वाली है, सेंधा नमक के साथ बनाई है, इसको इसके ऊपर आप डालिए। ये इमली की मीठी चटनी है, इसको भी आप डाल लीजिए और ऊपर से आप भुना जीरा, सेंधा नमक, काला नमक अगर आप व्रत में खाते हैं वो डाल लीजिए, हरी धनिया, मैंने थोड़े से नाल ये पोमीग्रेनेट पर्ल्स डाले हैं। उसके साथ कंप्लीट मील देने के लिए मैंने कैबेज श्रेडिंग्स भी डाली हैं। और ये डिश देख करके जो घर में फास्ट नहीं कर रहे ना वो भी कहेंगे आज हमारा भी व्रत है, तो कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आई होप आई एम क्लियर। किसी को कोई और प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन और हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, यू आर ऑल वेलकम। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर शेयर भी कीजिएगा कि ये कैसा हुआ, कैसी लगी आपको रेसिपी, आप शेयर करके बताइएगा ज़रूर से। देखिए अभी डाले थे और ये दूसरी तरफ से भी सिक गए, थोड़ा सा नीचे से और कुक हो जाए और बहुत जल्दी बनते हैं। कोई पहले से प्रिपरेशन भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है कि दाल वाले दही बड़े जैसे आपको रात भर दाल भिगोनी है, फिर उसको पीसना है और फिर फेंटना है, सबसे बड़ी बात। फेंटेंगे नहीं तो सॉफ्ट नहीं बनेंगे और घर वाले कहेंगे कि आज गांठ पड़ गई बड़ों में, वो बात नहीं आई, तो वो सब झंझट से आप बच जाएंगे। और फिर ये मैंने अपम पैन में बनाए, आप भी ट्राई करिए अपम पैन में बनाने की, बहुत ही कम ऑयल में और बहुत ही हेल्दी रेसिपी आपकी बन करके तैयार हो जाएगी। इनफैक्ट जैसे मैंने पहले बताया आप इसमें और भी बहुत सारे चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू अमूल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू मोनिकास फन फूड रेसिपी ग्रुप, मोनिका जी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये मौका दिया कि मैं आप लोग के साथ अपनी एक रेसिपी शेयर कर पाऊँ, थैंक यू सो मच। इन अपम पैन आई हैव मेड दही बड़े, बड़े मैंने फ्राई किए हैं अपम पैन में, आप इसको नॉर्मल कढ़ाई में फ्राई कर सकते हैं। तेल अच्छा गरम करिएगा और फिर आंच को मीडियम कर लीजिएगा। अपम पैन में मैंने इसलिए यूज किया कि थोड़ा हेल्दी बन जाएगा वो। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।